हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट विद ममता में मैं ममता शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं किसी की डिमांड पर बना रही हूँ पहाड़ी डिश, यानी पालक का कापा, पहाड़ी पालक का कापा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी कापा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पहाड़ी पालक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं पहाड़ी पालक किस टाइप की होती है। ये ज़्यादातर जो हिल्स एरिया होते हैं ना, पहाड़ी इलाका, वहीं मिलती हैं। तो ये नीचे प्लेन्स की तरफ को नहीं मिल पाती हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो कापा बनाने के लिए तो यही मस्त है, और नहीं मिलती है तो फिर आप नॉर्मल जो देसी पालक आती है आप उससे भी बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये एकदम फ्रेश पालक ली है, और इससे अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का इसका ये रेड वाला, ये मिट्टी वाला इलाका है, जड़ वाला, इसको हम सारे कट करके इस तरह से ऐसे छाट छाट के इसको अच्छे से कट कर लेंगे। बस इतना सा, सिर्फ इतना सा हटाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और बाकी इसमें हम थोड़ा जो गंदे पत्ते हैं, जो थोड़ा सा पुराने से हो रहे हैं, उनको हटा देंगे। और इसको फिर हम पूरा वॉश करके और कट करके मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे होंगे मैंने इस पालक को बहुत अच्छे से साफ कर लिया है। ये सारे साफ साफ पत्ते और ये डंडियां जो बहुत कोमल है, ये दिखने में अगर आपको लग रही होंगी ना, तो कई लोग क्या करते हैं सिर्फ पत्तियाँ लेते हैं इसकी, लेकिन मैंने इसकी ये डंडियाँ इसलिए ली है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और एकदम गल जाएंगी। और ये मैंने सारा कचरा इसका जो निकला है इसमें से, ये मिट्टी वाला एरिया और ये जो गले हुए पत्ते हैं थोड़ा सा, वो मैंने अलग कर दिए हैं। और अब हम इस पालक को ऐसे ही, बिल्कुल ये जैसे साबुत है ना, इसको ऐसे ही बहुत अच्छे से 4 से 5 बार अच्छे से वॉश करेंगे साफ पानी से। और उसके बाद हम इसे निखार के पानी इसका, इसको कट करेंगे, फिर हम उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको साबुत डंडी सहित इसलिए वॉश करेंगे क्योंकि अगर मैंने इसको कट करके वॉश किया, तो आप सभी जानते हैं कि हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और पालक में तो खास तौर से। तो इसीलिए मैं इसको क्या करूँगी, ताकि इसके हमें जो इसकी शुद्धता है वो बरकरार बनी रहे, और इसकी जो ये ग्रीनरी है, हरे हरे पत्ते हैं, वो इसके बरकरार रहे, इसके लिए मैं इसको ऐसे ही धोऊंगी। और अगर कट करके वॉश करूंगी ना, तो इसके सारे विटामिन पानी के साथ वो निकल जाएंगे और इसका कलर भी पानी के साथ निकल जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी ऐसे ही धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने इस पालक को अच्छे से वॉश करके और ये रफली चॉप किया है इसको। बहुत फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है, तो फाइन चॉप की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा सा रफली चॉप किया है। और अब हम इसको इस कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में ना, इधर गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई गर्म कर दी है, बस बहुत कम, 1 चम्मच करीब, देखिए आप, इतना सा ऑयल डाल के, और इसको थोड़ा सा गर्म होने तक, हो गया है ये गर्म, हो गया है ना, बस। तो अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और इसको अच्छे से दबा दबा के डालेंगे ताकि ये पूरी सब्जी इसमें आ जाए। और ये जो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है ना, वो इसलिए डाला है ताकि ये जब मैं इसमें डालूंगी तो ये पत्ते इसमें चिपके ना, ठीक है। और अब हम इसे ढक लगा के पकाएंगे। इसमें ढक लगाने से पहले ना 1 चम्मच नमक जरूर डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको खोल के देखते हैं कि ये पका या नहीं। ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे बैठ गई है और इसने अपना पानी छोड़ दिया है। बस इसको एक बार हिलाएंगे और इसको थोड़ा सा अभी और अच्छे से गलने देते हैं। ये काफ़ी हद तक बैठ गया है, बस इसको हार्डली 5 मिनट फुल फ्लेम पे और रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसा करेंगे, एक ये बड़ा सा मिक्सी, ये बाउल लेंगे, इस बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे सारा का सारा। इसने अपना पानी भी छोड़ा है, आप देख सकते हैं ये नीचे पानी भी छोड़ा है। और अब हम इसको ऐसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ कि इस पहाड़ी कापे को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो सबसे पहले इसका तड़का लगाने के लिए ये थोड़ा सा हींग है, ये जखिया है जो पहाड़ों में पाया जाता है, इसका तड़का लगता है, ये थोड़ा सा जीरे की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जम्बू है। जम्बू बिल्कुल ऑप्शनल है और जखिया भी बिल्कुल ऑप्शनल है। इस ये जखिया और जम्बू ये दोनों ही ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप इसे ज़रूर डालिए, क्योंकि जो इसका फ्लेवर आता है ना ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप हींग की टक्कर का इसका बिल्कुल ऐसा वाला फ्लेवर आता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है डाल के। और ये जड़ी बूटी है एक तरह की, ये पहाड़ों में पाई जाती है, तो इसको डालने से हमारे शरीर को भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और खाने में भी इसका स्वाद सुगंध बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये तो है इसका तड़का, और इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैंने इसमें एक बड़ा प्याज और एक छोटी सी गांठ लहसुन की और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, और यहाँ पे मैंने दो बड़े टमाटर जो मैंने यहाँ पे चॉप करके रखे हुए फाइन चॉप, और लहसुन प्याज का वो भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक सर्विस स्पून बेसन लिया है, बेसन भी आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से इसका एक बहुत अच्छा, आटे से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसमें बेसन ही डालती हूँ। और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने एक ये पालक को सारा एक बोल में, बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और कढ़ाई को बिल्कुल खाली कर दिया है। खाली करने के बाद अभी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, गैस ऑन है, और अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, और अब ये गर्म हो रहा है। तो गाइस, अब ये ऑयल गर्म हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे इसमें से धुआं उठ रहा है, और इसमें अब हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा गैस की फ्लेम को कम करेंगे। और सबसे पहले हम ये जम्बू डालेंगे, साथ में जीरा डालेंगे और जखिया डालेंगे, और अब हम इसे चटकने देंगे, और तुरंत ही इसमें हमने बहुत जल्दी डाल देना है, नहीं तो ये जम्बू जो है जल जाएगा। जैसे ही जीरा हल्का सा ब्राउन हो, डाल देंगे आप ये अपना, और अब इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे हल्का ब्राउन होने तक। कॉफी करेंगे पहले। तो फ्रेंड्स, जब तक ये प्याज का ये जो है चॉप किया हुआ, तो इसे हम जब तक ये सॉटी हो रहा है, और अब तक हम जब तक ये बेसन को थोड़ा सा एक बोल में घोल लेंगे पानी डाल के। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। ये थोड़ा सा बेसन है ना, इसलिए मैं इसमें मिक्सचर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कि ऐसे ही स्पून से ही हो जाएगा, और इसे अच्छे से आप घोल लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब ये तैयार हो चुका है घोल के, अब इसमें बिल्कुल कोई लम्स नहीं है, आप देख सकते हैं इसे, और अब हम इसको आगे करेंगे। अब ये देख लीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं करना है, इसे थोड़ा हल्का हल्का सॉटी करना था, और ये अब भुन चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है इसे, बहुत ब्राउन नहीं करते हैं। और इसी में हम अब ये टमाटो का चॉप किया हुआ डाल देंगे, और अब हम इसकी एक अच्छी सी त्योरी बनाएंगे। ये देखिए डाल देंगे, अभी इस टमाटर में ही हम अपने घर के कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। मुझे ये रहता है फ्रेंड्स, कि मैं घर के ही बने बेसिक मसालों से ही आपको बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाना बता पाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से कोई अलग अलग से फ्लेवर ला के ही बनाएं, हम घर के ही मसालों से बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, बस यही बताना मेरा एक मेन उद्देश्य रहता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, ये छोटी सी आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच छोटी सी गरम मसाला, और ये एक बड़ा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इन्हें भूनेंगे
थोड़ा सा जब तक ये अपना ऑयल रिलीज ना कर दे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इसने अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है और ये मसाला भुनना शुरू हो गया है। और अब हम इसको हार्डली 30 सेकंड तक इसको अभी और ऐसे ही भुनेंगे। 30 सेकंड से एक मिनट तक आप इसको अच्छे से भून सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये अच्छे से भून चुका है, आप देख पा रहे होंगे इसने अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। और अब हम इसी बीच इसमें एक अपना मैजिक डालेंगे। वो मैजिक मालूम है क्या है? ये देखिए, अब इसमें मैं एक चम्मच किचन किंग मसाला डालूंगी और जो इसका फ्लेवर आएगा ना लास्ट में उसका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इतना स्वादिष्ट होगा, इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप इसको हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। और इस बीच अब ये बिल्कुल मिक्स कर लिया इसे हमने। तो फ्रेंड्स अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पालक ऑलरेडी पकी हुई है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो है ना। और अब हम इसे ऐसे ही मिक्स करके ये जो मैंने बेसन का ऐसे ही यहाँ पे लिक्विड सा बनाया था ना उसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। आप चाहे इसको पूरा भर दीजिए पानी से और अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। अब आप देखिए इसमें कोई लम्स नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई लम्स नहीं है और ये एकदम बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। ये रनिंग फॉर्म में दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे ये बुलबुले आ रहे हैं ना, इसमें ये पकते हुए जो बुलबुले आ रहे हैं ना, अब हम इसमें इसको एक हाथ से ये पालक को चलाते रहेंगे और एक हाथ से हम इसको बेसन को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते रहेंगे। चलाएंगे इसलिए क्योंकि अभी ये बेसन कच्चा है और दाल ये जो सब्जी है ये पक चुकी है ना, तो इसको हम ऐसे फटाफट हिलाते रहेंगे और बीच में हम इसमें पानी मिक्स करते रहेंगे। और इस समय हमारी इसकी जो गैस की फ्लेम होगी बिल्कुल फुल होगी। गैस की फ्लेम को कम मत करिएगा वरना इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अब हम इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी का ही इसमें यूज़ किया है। और अब हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे थोड़ा सा और इसे थोड़ी देर ढक देंगे, ढक के पकाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इसमें बुलबुले उठने लगे और ये पकना शुरू हो गया है। और इसको ऐसे ही हम फुल फ्लेम पे हिलाते भी रहेंगे और कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और ये पकने के बाद अपनी खुशबू छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें जो हींग जम्बू ये चीज़ें डाली है ना और इस लास्ट में जो हमने अपना मैजिक मसाला डाला, मतलब कि किचन किंग मसाला डाला, तो उसने अपना ये फ्लेवर छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये खाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप खाएंगे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। सो गाइस अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। ये पहाड़ी कापा आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। इसे हमारे उत्तराखंड में कहीं कापा कहते हैं, कहीं कापली कहते हैं और शायद एक किसी और नाम से भी इसको जानते हैं, वो मुझे ठीक से मालूम नहीं है। और लेकिन हमारे यहाँ इसको कापा बोलते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जैसा कि हरी सब्ज़ी है और हरी सब्ज़ी में पालक बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है ना। तो आइए अब हम इसको यहाँ पे धनिए से गार्निश करते हैं, हरे धनिए से। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और मैं अब आपको इस गैस बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो गाइज अब आप इसको बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार मेरी इस रेसिपी के उस पर बना के आप देखिए कि ये कैसे बनता है।